एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम था जॉन। वो हमेशा अपने काम में बहुत बिजी रहता था। जॉन अपने कलीग से आगे निकलने के लिए बहुत मेहनत करता था। वो अपने प्रोजेक्ट्स में और ईमेल्स का रिप्लाई करने में पूरी पूरी रातें गुजार देता था। इसकी वजह से उसकी बहुत नींद सैक्रिफाइस होती थी। बहुत टाइम तक ये चलता रहा। फिर एक दिन जॉन ने रियलाइज किया कि अब उसे भूलने की आदत हो रही है और वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा है। फिर भी जॉन इन चीजों को हल्के में लेता था। टाइम चेंज होता रहा, लेकिन धीरे धीरे जॉन की सेहत खराब होने लग गई। उसे सर दर्द और चक्कर आना स्टार्ट हो गया। फिर भी जॉन की कोशिश यही रहती थी कि वो अपने बाकी सारे कलीग से हमेशा आगे रहे। लेकिन फिर एक दिन ऑफिस में जॉन बेहोश हो गया और उसको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया। जब उसे होश आया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी नींद ना पूरी होने की वजह से उसका पूरा शरीर गंभीर रूप से कमजोर हो गया है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही जल्दी बीमारियां लगती रहेंगी। जॉन इतना ज्यादा काम इसलिए करता था क्योंकि उसे लगता था कि वो जितना ज्यादा टाइम बाकी चीजों से बचा के अपने काम में देगा उतना ही वो सक्सेसफुल रहेगा, बिना ये सोचे कि इसका उसकी हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट की ये थ्योरी काम नहीं करती। इसके लिए फ्रेडरिक टेलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। फ्रेडरिक टेलर, जिन्हें हम द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने एक बार फैक्ट्री के वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को टाइम के बेसिस पर चेक किया। उन्होंने वॉच निकाली और कैलकुलेट किया कि वर्कर्स को RMPCs को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए कितना टाइम लगता है। इसके बाद उन्होंने उन वर्कर्स को एक स्पेसिफिक तरीका बताया RMPCs को मूव करने का, जैसे कि RMPCs को कैसे उठाना है, किस डायरेक्शन से होते हुए उन्हें किस तरीके से RMPCs को रखना है, एंड सो ऑन। जब वर्कर्स ये तरीका फॉलो करने लगे तो उन्होंने देखा कि कैसे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन थी। वर्कर्स पूरे दिन सेम प्रोडक्शन आउटपुट नहीं दे पा रहे थे। जैसे कि अगर 10 मिनट में वो 5 पीसेस को मूव करते थे तो अगले 10 मिनट में वो सिर्फ 4 ही RMPCs को मूव कर पा रहे थे, क्योंकि अब वो थक चुके थे और इस वजह से अब प्रोडक्शन आउटपुट गिरने लगा था, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। और इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि एक ही पेस में काम करने पर कुछ टाइम तो हम प्रोडक्टिव रह सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में हम इसका नुकसान ही झेलेंगे और हमारी ओवरऑल क्रिएटिविटी कम ही होगी। क्रिएटिविटी में नुकसान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि किसी एक फेमस ऑथर की बुक बहुत सुपरहिट हो गई हो और वहीं उनकी दूसरी बुक बहुत फ्लॉप गई हो। फॉर एग्जाम्पल, द फॉल्ट इन आर स्टार्स एक बुक है जिसके ऑथर है जॉन ग्रीन, और उनकी ये बुक बहुत ही फेमस हुई थी। इवन इस पर इंग्लिश मूवी बनी, और इवन दिल बेचारा हिंदी मूवी भी इसी बुक के कॉन्सेप्ट पर थी। जबकि इनकी दूसरी बुक एन अबंडेंस ऑफ कैथरीन का रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं रहा, ये हम इनके रिव्यूज में भी देख सकते हैं। क्रिएटिविटी का हम एक और इंडियन एग्जाम्पल देखते हैं। मोहित चौहान अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब उन्हें जब वी मेट मूवी से तुमसे ही सॉन्ग मिला था, तब उन्होंने एक महीने का ब्रेक लिया था, और म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम ने भी इस बात को समझते हुए इस सॉन्ग को होल्ड पर रखा। फिर जब मोहित चौहान ने वापस आकर ये सॉन्ग को रिकॉर्ड किया, तब इसमें कोई अलग ही बात थी, और इसलिए सॉन्ग के रिलीज होते ही यही सबका फेवरेट सॉन्ग बन गया। अगर मोहित चौहान ये ब्रेक ना लेते तो वो इस सॉन्ग में इमोशंस ना डाल पाते और फिर शायद ये सॉन्ग कभी उतना पॉपुलर नहीं। तो हाउ डू प्रोड्यूसर्स रिएक्ट जब आप ऐसा कहते हैं? तो नहीं, जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके फन से मोहब्बत करते हैं, वो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं शायद, पर कर लेते हैं थोड़ा। जैसे तुमसे ही के लिए कहानी ये है कि प्रीतम साहब ने और इम्तियाज ने शायद मेरा इंतजार किया महीना डेढ़ महीना ऐसा कुछ। रियली? हाँ, ऐसा कुछ कहानी। तो इसे एक बात तो क्लियर है कि सिर्फ टाइम मैनेजमेंट तो नहीं है खुद को ग्रो करने के लिए, बल्कि कुछ और है, और इसका जवाब है माइंड मैनेजमेंट। डेविड कैवी अपनी बुक माइंड मैनेजमेंट एंड नॉट टाइम मैनेजमेंट में एक्सप्लेन करते हैं कि हम अपनी क्रिएटिविटी को ग्रो करने के लिए 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी और 7 मेंटल स्टेट ऑफ क्रिएटिव वर्क को समझ सकते हैं, और आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी की। स्टेज 1, प्रेपरेशन। प्रेपरेशन क्रिएटिविटी की वो स्टेज होती है जहाँ पर हमारा लर्निंग पीरियड चल रहा होता है। इस स्टेज पर हम अपना सारा टाइम रिसर्च को देते हैं। इसे हम द बीटल्स ग्रुप के मेंबर पॉल मैककार्टनी के एग्जांपल से समझ सकते हैं। कोई भी सॉन्ग कंपोज करने से पहले म्यूजिशियंस बहुत से सॉन्ग सुनते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही पॉल के साथ भी हुआ था। उन्होंने वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कॉम्पोजिशन सुनी और सारा समय बस प्रेपरेशन स्टेज में गुजारा। एक बार जब प्रेपरेशन स्टेज पूरी हो जाती है, फिर आता है स्टेज 2, विच इज इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन वो स्टेज होती है जहाँ पर हम एक्टिवली काम नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी उस काम से इनडायरेक्टली जुड़े होते हैं। प्रेपरेशन स्टेज में हम बहुत थक चुके और इसलिए हमें रेस्ट लेना जरूरी है। पॉल ने भी एग्जैक्टली ऐसा ही किया था। बहुत सारी कंपोजिशन सुनने के बाद वो बार बार रेस्ट लेते थे। थर्ड स्टेज आता है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन तीसरी ऐसी स्टेज है जहाँ पर हमें हमारी आहा मूवमेंट मिलती है। आहा मूवमेंट का मतलब है कि अचानक से आपको कोई डिफरेंट थॉट आ जाएगा।
जो हमारी प्रॉब्लम का हमें सलूशन दे देगा, स्पेशली तब जब हम किसी काम को कर भी नहीं रहे होंगे। अब एग्जांपल के लिए, जब पॉल इंक्यूबेशन स्टेज पर थे तभी वो इल्यूमिनेशन स्टेज पर भी पहुंच गए। पॉल जब सो रहे थे तो उनके दिमाग ने पुराने सारे सॉन्ग्स को कंबाइन करके एक नई मेलोडी बनाई। जैसे ही पॉल नींद से उठे, उन्होंने झट से उठकर उस मेलोडी के कॉर्ड्स को नोट डाउन कर लिया। उसके बाद उन्होंने जो एक्शंस लिए वो है फोर्थ स्टेज, विच इज वेरिफिकेशन। जब पॉल ने कॉर्ड्स को नोट डाउन किया, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों को ये मेलेडी सुनाई। सिर्फ नोन्स को ही नहीं बल्कि अननोन लोगों को भी। वो जानना चाहते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेलेडी पहले से ही एग्जिस्ट करती हो और उन्हें वही सोते हुए सुनाई दी। सबसे पूछने के बाद उन्हें पता चला कि ये ओरिजिनल मेलेडी है और पहले कभी भी किसी ने इसको नहीं सुना है। इस कंफर्मेशन के बाद पॉल इस सॉन्ग को फाइनली रिकॉर्ड कर लेते हैं और यही है वेरिफिकेशन स्टेज। यहाँ पर हमारे काम को वेरीफाई किया जाता है, पता लगाया जाता है कि हमारा काम सोर्सेज के हिसाब से सही है या नहीं और हमने इसे सही से मेंशन किया है या नहीं। जब फाइनली ये सॉन्ग रिलीज हुआ तब ये ब्लॉकबस्टर हिट हो गया। इस सॉन्ग का नाम था यस्टरडे। अगर एक बार आप फोर स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी को अपनी लाइफ में ढाल देते हैं तो हम पर्सनली तो ग्रो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी लिंचपिन बन सकते हैं। पर ये लिंचपिन एग्जैक्टली है क्या? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको जाना पड़ेगा गीगल एप्लीकेशन पर। गीगल ऐप पर अवेलेबल है ये बुक, लिंचपिन, आर यू इंडिस्पेंसेबल। यहाँ पर आपको इस बुक की हिंदी में डिटेल्ड ऑडियो बुक समरी मिल जाएगी, जिसे हम आराम से सुन सकते हैं। यहाँ पर 180 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में फ्री में अवेलेबल है, जिन्हें आप सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉइसमेल में दे दूंगा। अब जब हम क्रिएटिविटी की स्टेजेस को समझ चुके हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी क्रिएटिव काम को समझने के लिए हमें 7 क्रिएटिव मेंटल स्टेट से गुजरना होता है, जिसमें फर्स्ट मेंटल स्टेट आता है प्रायोरिटाइज मेंटल स्टेट। इस स्टेज में हम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए खुद से 3 सवाल पूछते हैं। जैसे कि डेविड बताते हैं कि जब वो 1000 फीट ऊपर बिल्डिंग में बैठे हुए थे तब उन्हें अपने बिजनेस के बारे में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे और उन्होंने खुद से 3 सवाल पूछे। 1, मुझे क्या करना है? 2, मैं इस काम को कैसे करूं? और 3, मुझे क्या नहीं करना है? इन सवालों को पूछते ही डेविड को अपनी प्रायोरिटीज के बारे में पता चल गया और ऐसा करने से वो प्रायोरिटाइज मेंटल स्टेट में आ गए। जब हम भी इन 3 क्वेश्चंस को पूछ के स्टेज में आ जाते हैं तो फिर आता है सेकंड मेंटल स्टेट, व्हिच इज एक्सप्लोर मेंटल स्टेट। अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करने के बाद हम क्यूरियस हो जाते हैं और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से हम ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इस स्टेज में हम जितना हो सके उस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई ऐसे लिखने को दिया जाता है, हाउ डिड APJ अब्दुल कलाम बिकेम सक्सेसफुल, तो हम इस स्टेट में इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढेंगे बल्कि हम उनके ओवरऑल करेक्टर को स्टडी करेंगे, जैसे कि उनका बचपन कैसा था, उन्होंने पढ़ाई कैसे करी, उनके इंटरेस्ट क्या थे, हर एक छोटी चीज को स्टडी करेंगे। जब ये चीज कम्प्लीट हो जाती है तो फिर आता है स्टेट 3, विच इज रिसर्च मेंटल स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम APJ अब्दुल कलाम सर के बारे में एक्सप्लोर कर चुके हैं तो अब हम मेन सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि वो सक्सेसफुल एग्जैक्टली हुए कैसे। रिसर्च मेंटल स्टेट में हम पॉइंट टू पॉइंट अपने सवालों का जवाब ढूंढते हैं। इसके बाद आता है फोर्थ मेंटल स्टेट, जो कि है जनरेट मेंटल स्टेट। अब तक हम जो भी काम कर चुके हैं इसके बाद आएगा कि हमें कुछ जनरेट करना है, यानी कि हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें ऐसे लिखना है, हमने एक्सप्लोर भी कर लिया है और रिसर्च भी कर ली है, तो बारी आती है सारी इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करने की। अब इस स्टेट में हम ऐसे लिखेंगे, यानी फोर्थ स्टेज पर हम हमारा सारा काम नोट डाउन कर लेंगे, लेकिन ये अभी भी सबमिट करने के लिए रेडी नहीं हुआ है। और यहीं पर आता है हमारा फिफ्थ मेंटल स्टेट, विच इज पॉलिश मेंटल स्टेट। असाइनमेंट पूरी करने के बाद उसे पॉलिश करना बहुत जरूरी है, यानी कि रीचेक करना। यहाँ पर हम असाइनमेंट में मिस्टेक्स, जैसे कि कोई ग्रामेटिकल एरर या स्टोरी टेलिंग इम्प्रूवमेंट या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स को ढूंढते हैं और उन्हें इम्प्रूव करते हैं। अब इन 5 मेंटल स्टेट को पूरा करना तो इम्पोर्टेंट था, लेकिन इसके बाद जो 2 मेंटल स्टेट है वो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए फिर आता है हमारा सिक्स मेंटल स्टेट, विच इज एडमिनिस्ट्रेट मेंटल स्टेट। हमें हमारे क्रिएटिव काम को करने के साथ और भी बहुत से काम करने जरूरी है, जैसे कि अपना रूम साफ करना, अपने नेल्स काटना, अपने फैमिली के साथ कहीं पिकनिक पर जाना, और इन्हीं सब काम को करने के लिए जो मेंटल स्टेट होती है उसे एडमिनिस्ट्रेट मेंटल स्टेट कहा जाता है। ये मेंटल स्टेट इसलिए जरूरी है कि अगर हम बाकी सारे मेंटल स्टेट में रहते हैं और इस स्टेट को इग्नोर करते हैं तो इससे हमारी ओवरऑल लाइफ इम्बैलेंस हो जाती है, क्योंकि हम मशीन नहीं है। और इसके बाद आता है हमारा सेवेंथ मेंटल स्टेट, विच इज रिचार्ज मेंटल स्टेट। इस मेंटल स्टेट में हम अपनी थकान और बोरियत को दूर करते हैं, हम फिर से काम करने के लिए खुद को रिचार्ज करते हैं। इस स्टेट में हम कोई भी काम कर सकते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है, जैसे कि फैमिली के साथ टाइम बिताना, अपनी फेवरेट मूवी देखना या फिर बस रिलैक्स करने के लिए सो जाना। फोन की बैटरी खत्म होने पर हम उसको चार्ज करते हैं,
लेकिन हमारी बैटरी खत्म होने पर हम यही सोचते हैं कि चलो थोड़ा और काम कर लेते हैं, अपने कलीग या अपने स्कूल के कॉम्पिटिशन से और आगे बढ़ जाते हैं। एक बार जब हम अपने दिमाग की इन्हीं 7 मेंटल स्टेट को अच्छे से मैनेज करना सीख जाते हैं तो इससे जो 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी हैं उन्हें पूरा करना भी आसान हो जाता है। अब ये सारी चीजें करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन एक ऐसा टाइम भी आएगा जब हम इसमें इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि हमारी क्रिएटिविटी ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगी। दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स हमने अपने वीडियो में मेंशन किए हैं, अगर आप चाहें तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ, गीगल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। आई ट्रूली बिलीव दैट ऑल ऑफ योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, बस मेहनत करते रहिए। जय हिंद।